नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जी के एट जीएस में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेजर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हम 100+ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, या फिर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अपर क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो आपको इन टर्म्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई टर्म दे देता है उसका अर्थ आपको बताना रहता है, और कई बार कोई अर्थ ही दे देता है वो उससे किस टर्म से जुड़ा हुआ ये भी आपको बताना रहता है। तो चलिए दोस्तों इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला टर्म है हमारा डाटा स्थानांतरण दर, यानी डाटा ट्रांसफर रेट। ये क्या होता है कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अथवा सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने का जो दर होता है उसी को डाटा स्थानांतरण दर कहते हैं। देखिए जो टर्म उसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस टर्म में ही कितने टर्म में तो आपको मीनिंग ही छुपा हुआ मिल जाएगा। इसे यही देख लीजिए, डाटा ट्रांसफर रेट यानी डाटा ट्रांसफर होने की रेट यानी दर को हम डाटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। बस आप एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और एक बार समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारा डिग बार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो टर्म ऐसे होते हैं जिनके वर्ड से उनकी मीनिंग नहीं पता चलती है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो डिगबर भी ऐसा ही है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढकर उसमें सुधार करता है उसे डिगबर कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में क्या इरर्स हैं उस इरर को फाइंड आउट करके और उसे करेक्ट करने का काम होता है डिगबर सॉफ्टवेयर का। ओके देखिए नेक्स्ट है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, कई उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरण में सहायक नियमों के समूह को जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कई उपयोगकर्ता जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर से जो जुड़े होते हैं, तो जब फाइलों का ट्रांसफर होता है तो जो सहायक नियम होते हैं जिन नियमों के थ्रू ये फाइल ट्रांसफर होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, इसी को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा गेटवे। देखिए गेटवे क्या होता है, यह विशेष लाइन इंटरनेट से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, इंटरनेट से। ये भी कई बार पूछ लेता है कि ये टर्म किससे जुड़ा हुआ, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। यह अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। यह अलग अलग कंप्यूटर और अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर होता है जो अपने से जुड़े कंप्यूटरों को सभी नेटवर्कों से जोड़ता है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोटर या फुटर। देखिए दोनों कहते हैं, फुटर या फुटर दोनों कहते हैं इसे, ठीक है। कंप्यूटर में दस्तावेज पेज की सबसे नीचे की पंक्ति में स्वतः लिखे जाने वाले टेक्स्ट को फुटर या फोटर कहते हैं। देखिए जैसे पेज नंबर हो गया, तारीख हो गया, संदर्भ विशेष हो गया, इन सभी को फुटर कहते हैं। फुटर क्या होता है कि पेज में एंड में जो हम भी इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हीं को हम फुटर कहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा डाटा पिच। डाटा पिच क्या होता है, मॉनिटर पर 1 किलोमीटर की बिंदु की कुल संख्या को डाटा पिच कहते हैं। जो मॉनिटर है उसे 1 किलोमीटर की बिंदुओं को डाटा पिच कहते हैं, यह मॉनिटर की क्वालिटी को बताता है। ओके नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्रैग। ड्रैग आपने जनरली सुना होगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो, माउस के माध्यम से जब एक फाइल को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उसी को ड्रैग कहते हैं, ड्रैगिंग आपने जनरली सुना होगा। ग्रे कोड, ग्रे कोड क्या होता है, इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं, ग्रे कोड कहते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा फोरट्रॉन। फोरट्रॉन क्या है, यह एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। क्या होती है, एक उच्च स्तरीय भाषा होती है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग में किया जाता है। किसमें, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग में किया जाता है फोरट्रॉन का। ये क्या है, एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लिप फ्लॉप। क्या, फ्लिप फ्लॉप ये क्या होती है, यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, पूछ सकता है एग्जाम में। बिट के लिए भंडारण कार्य करती है, क्या करती है, बिट के लिए भंडारण कार्य करती है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रिक युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दो बाइनरी स्थित 0 या 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी वर्ड्स कहते हैं, में से एक में ही रहती है। ओके नेक्स्ट है हमारा इप रोम। क्या, इप रोम यह डाटा संग्रह करने वाली एक चीप होती है। क्या होती है, चीप होती है डाटा को संग्रह करने वाली। इसमें उच्च विद्युत विभव के द्वारा एक डाटा को मिटाकर दूसरा डाटा डाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेसिमाइल ट्रांसमिशन। क्या, फेसिमाइल ट्रांसमिशन। ओके ये क्या है, यह लिखित सामग्री, शब्द, चित्र तथा ग्राफ को टेलीफोन लाइन के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का माध्यम है। इस युक्ति को संक्षेप में फैक्स कहते हैं। जो फैक्स होता है वो इसी मीडियम पे काम करता है, इसी को शॉर्ट में फैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्स।
देखिए नेक्स्ट है हमारा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, जब कंप्यूटर सभी चालू प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में संचित करके बंद होता है और पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम पुनः उसी अवस्था में खुल जाते हैं, तो इसे हाइबरनेशन कहते हैं। देखिए जो हाइबरनेशन टर्म है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारा हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, इसी डॉक्यूमेंट के शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की प्रक्रिया को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, यह वेबसाइट का 32 बिट का अंकीय पता होता है। यह सर्वर और उससे जुड़े नोड को हम कंप्यूटर कह सकते हैं की पहचान को बताता है। ओके कियोस्क इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके देखिए कियोस्क क्या होता है, यह सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया कंप्यूटर होता है। ठीक है ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके द्वारा उपयोगकर्ता को सामान्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, सामान्य जानकारियां जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट पिन। लाइट पिन क्या होता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है। कैसा ये डिवाइस है, इनपुट है। ठीक है इसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखकर इनपुट देने को किया जाता है। देखिए जो लाइट पेन है, जो मैं इस समय पेन यूज कर रहा हूँ ना कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए, इसी को लाइट पेन कहते हैं। इससे क्या होता है, एक प्रकार का पेन होता है जिसे कंप्यूटर पे लिखा जाता है। जो टच स्क्रीन कंप्यूटर्स होते हैं उन्हीं पर लिखा जाता है। ठीक है देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा मेगाबाइट। MB आप सब जानते हैं, यह मेमोरी की एक इकाई है। ठीक है यह 220 बाइट अर्थात 1048576 बाइट के बराबर होती है। कितने, 1048576 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल संकेत यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर संचार माध्यम में भेजा जाता है। ठीक है देखिए अब मॉड्यूलेशन आया तो आपको मॉडेम का फुल फॉर्म जानना इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन लिखिए, मैं लिख देता हूं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है मॉडम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेटिजन। नेटिजन क्या होता है, ऐसे नागरिक जो इंटरनेट का उपयोग राजनीतिक समाज में भाग लेने के तरीकों के रूप में करते हैं उसे नेटिजन कहते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारा निबल। निबल क्या होता है, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। ठीक है या आधी बाइट के बराबर होता है। क्या, आधी बाइट के बराबर होता है। देखिए प्रोलॉग क्या है, यह कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है इस भाषा में तांत्रिक प्रोग्रामिंग और कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। कुल कितने हैं, 2 हैं। दो ही नंबर होते हैं बाइनरी नंबर, 0 और 1। ठीक है यह एक द्विआधारी संख्या पद्धति होती है जिसमें 0 1 बताया ना, कुल 2 अंकों का उपयोग होता है। ओके नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या होता है, यह एक संख्या पद्धति होती है जिसमें 0, 1, 2 से लेकर 7 तक कुल 8 अंकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाइनरी नंबर में केवल 0 1 थे और इसमें क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इतने अंक हैं किसमें, ऑक्टल नंबर में। और ये कितने हैं, कुल 8 हैं। 8 शब्द इसमें नहीं, 8 वर्ड इसमें नहीं है लेकिन 8 कुल हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके नेक्स्ट हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में कुल 0 से लेकर 9 तक जितने होते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर। कितने, कुल 10 हैं। ठीक है अब देखिए, यह दशमिक संख्या पद्धति होती है जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, यह डाटा संग्रहित करने के लिए बना है, एक उपकरण होता है जिसे लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। क्या, जिसमें लेजर किरणों का उपयोग किया, देखिए इंपॉर्टेंट है, लेजर किरणों का उपयोग होता है किसमें, ऑप्टिकल डिस्क में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास्कल। पास्कल इंपॉर्टेंट है। देखिए पास्कल क्या होता है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ जो ब्लेज पास्कल थे उन्हीं के नाम पर यह रखा गया। कई बार एग्जाम में आया हो कि ये पास्कल जो वर्ड है किसके नाम पर रखा हुआ है, तो आप याद रखेंगे ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल वर्ड रखा हुआ है। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पैम। स्पैम क्या होता है, किसी अवांछित विज्ञापन को इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने को स्पैम कहते हैं। ठीक है स्टैंड बाय क्या होता है, कंप्यूटर बहुत कम ऊर्जा लेते हुए जब यह निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है तो उसे स्टैंड बाय कहते हैं। ठीक है इस अवस्था में कंप्यूटर को तुरंत उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है इस अवस्था में सूचनाएं हार्ड डिस्क में संचित नहीं की जाती। क्या, हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिंग टोपोलॉजी। देखिए टोपोलॉजी वाले जो सब हैं ये आप
क्लास 10th में शायद आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इस प्रक्रिया में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है। इस व्यवस्था में सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप के रूप में, ऐसे इसे रिंग या लूप का इस फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है सेक्टर, ये सेक्टर क्या होता है, यह मेमोरी हार्ड डिस्क, मेमोरी या हार्ड डिस्क पर डाटा लिखने वाली सबसे छोटी इकाई है, क्या है, सेक्टर, ये याद रखेंगे। ये जो छोटी इकाई होती है तरह तरह की, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट क्या होता है, इसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से संकेतों का आदान प्रदान किया जाता है, या कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को जोड़ने वाला पोर्ट होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, किसी अक्षर या अंक के बाद उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंक छोटे आकार में लिख लिया जाता है, उसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है, यह एक पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है, क्या होता है, पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है, इसका उपयोग नए डॉक्यूमेंट को तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टीबी यानी टेराबाइट, टेराबाइट मेमोरी का मात्रक है और एक टेराबाइट में 2 to the power 40 byte होता है, कितना, 2 to the power 40 byte होता है। नेक्स्ट हमारा टच स्क्रीन, टच स्क्रीन बहुत आसान टर्म है और ये क्या होता है, इसमें उंगली द्वारा छूकर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन किया जाता है, यह एक आसान इनपुट उपकरण है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड क्या होता है, किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर प्रयोग होने वाले कैरेक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, या कैरेक्टर स्ट्राइक या क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा वॉर्म डिस्क, वॉर्म डिस्क में वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, राइट वंस रीड मेनी, यह एक ऐसी प्रकाशीय डिस्क है जिस पर सूचना एक बार लिखी जा सकती है, ठीक है, परंतु इसे बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना, ओके। वॉर्म, वॉर्म क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, वायरस है कंप्यूटर, वायरस है क्या, वॉर्म, या मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम एवं डाटा को, जो भी डाटा और प्रोग्राम होते हैं हमारी मेमोरी में, उसे डैमेज कर देता है। वाईमैक्स, वाईमैक्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, क्या, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये होती है वाईमैक्स की फुल फॉर्म। ये क्या है, यह संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है, क्या होती है, संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है, जिस तरह वाईफाई होता है, तो वाईफाई थोड़ा शॉर्ट रेंज में काम करता है, लेकिन जो वाईमैक्स होता है बहुत लॉन्ग रेंज में काम करता है, इसी को वाईमैक्स कहते हैं, ठीक है। लंबी दूरी तक बेतार वायरलेस संचार इससे उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारा अबाकस, अबाकस एक बहुत ही पुराना टर्म है, यह गणना में प्रयुक्त होने वाली एक अति प्राचीन विधि, देखिए अति प्राचीन विधि क्या है, है टर्म है, गणना में प्रयुक्त होती थी, क्या, अबाकस। नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेटर, यह डाटा और परिणामों को भंडारित करने वाली युक्ति है, ठीक है, यह एक प्रकार का रजिस्टर है जो सूचनाओं को भंडारित करता है। एनिमेशन, गतिशीलता का आभास कराने हेतु जब कई चित्र को क्रमिक रूप से तेजी से गुजारा जाता है तो उसे एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। एनिमेशन आप जो भी एडिटिंग करते हैं, आप जो भी वीडियो बनाते हैं, वो जानते होंगे कि एनिमेशन क्या होता है, ठीक है। बैंड, बैंड क्या होता है, यह डाटा संचार करने की गति को मापन इकाई होती है, जो डाटा संचरण होता है उसी को मापा जाता है, उसकी गति को, उसी की एक इकाई है बैंड, ठीक है। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, क्या, कैथोड रे ट्यूब, इसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन में होता है, मॉनिटर और टेलीविजन में, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है जो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ क्या है, यह एक डिजाइन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ओके, डीटीपी। देखिए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी चीजें पहले से ही कंप्यूटर में सेटिंग, जो भी किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जो भी पहले से सेटिंग है उसी को डिफॉल्ट कहते हैं, उसमें बाद में हम चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कोई भी आप नया मोबाइल लेंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे तो उसमें डिफॉल्ट कोई सेटिंग रहती है, उसके बाद हम अपनी चॉइस अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि पूर्व निर्धारित अनुदेशों द्वारा कंप्यूटर तब तक कार्य करना जब तक इसे कोई उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जाता, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है हमारा डॉज यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसका उपयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं परिधि उपकरणों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है। आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसे आईएसपी कहते हैं, जैसे बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब, ओके। इसमें गेटवे कंप्यूटर की सहायता से अन्य कंप्यूटर गेटवे को इंटरनेट से जोड़ने की सेवा देता है। देखिए गेटवे क्या, अभी ऊपर मैंने बताया, ठीक है। कूबैंड, कूबैंड क्या है, यह लगभग
11 से 14 गीगाहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका उपयोग सैटेलाइट संचार में किया जाता है, किसका, कू बैंड का। लोगो, लोगो क्या होता है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा है लोगो। इसका उपयोग बच्चों के कंप्यूटर की शिक्षा देने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इस प्रकार के कंप्यूटर को अधिक मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। इस कंप्यूटर में कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पैलेट। पैलेट क्या होता है, यह कंप्यूटर में चित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर में रंगों का समूह होता है। ओके, पैलेट। पिक्सल, पिक्सल क्या होता है, आप जानते ही हैं, यह कंप्यूटर डिस्प्ले पर कंप्यूटर को इमेज को प्रदर्शित करने वाली मूल इकाई है। क्या, कंप्यूटर डिस्प्ले पर यानी कंप्यूटर इमेज को प्रदर्शित करने वाली मूल इकाई है। पिक्सल से हम किसी इमेज या किसी भी डिस्प्ले की क्वालिटी को नापते हैं, कैमरा को मेगापिक्सल में नापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉकेट पीसी। पॉकेट पीसी क्या होता है, यह एक छोटा कंप्यूटर होता है, इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए भी कहते हैं। इसे व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें अनेक नोड यानी कंप्यूटर के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। यह नोड केंद्रीय हब या होस्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है, कंप्यूटर के डाटा व प्रोग्राम को डिस्क पर स्टोर करना स्वैपिंग कहलाता है, ठीक है। इस डाटा व प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मेमोरी में भी डाला जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसपोंडर, या रेडियो संकेतों को प्राप्त पुनः प्रेषित व परिवर्धित कर सकता है, ठीक है। इसे संचार उपग्रहों पर लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वीडियो प्रदर्शन टर्मिनल यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ये क्या होता है, यह एक कंप्यूटर टर्मिनल होता है। इसमें इनपुट के लिए की बोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव तो सब डेली उपयोग में लिया जाता है। यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण होता है। इसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी से जोड़कर डाटा संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव में हम डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डीएनए कंप्यूटर। डीएनए कंप्यूटर क्या होता है, इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैविक पदार्थों जैसे डीएनए प्रोटीन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक पदार्थों के प्रयोग से डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। पाल्मटॉप, पाल्मटॉप क्या है, यह हाथ में रख कर कार्य करने वाला बहुत छोटा सा कंप्यूटर होता है और इसमें आवाज द्वारा इनपुट का कार्य संपन्न होता है। आवाज जो है यही इनपुट है और इसमें कीबोर्ड का प्रयोग नहीं होता है और इसका प्रयोग फोन के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है बायोस। बायोस क्या होता है, यह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर ऑन होने पर सर्वप्रथम बायोस सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है। यह सर्वप्रथम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। इसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट भी कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। थ्रोपुट, थ्रोपुट क्या है, कंप्यूटर द्वारा प्रति इकाई समय में संपादित उपयोगी प्रोसेसिंग की संख्या को थ्रोपुट कहते हैं। देखिए जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है, यह ट्रैक बॉल की तरह कार्य करने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग सिमुलेटर प्रशिक्षण, रोबोट नियंत्रण और वीडियो गेम आदि में होता है। जो वीडियो गेम खेलने के शौकीन होंगे वो जॉयस्टिक के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्रेश रेट। मॉनिटर के द्वारा एक सेकेंड में रिफ्रेश होने की दर को, रिफ्रेश होने की दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। ओके, इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। और इसे अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। देखिए जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तब हमें सबसे पहला हम काम क्या करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉट पिच। डॉट पिच इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है, कंप्यूटर मॉनिटर पर जो सूचना, ग्राफ या तस्वीर हम देखते हैं वह छोटे छोटे चमकीली बिंदुओं से बनी होती है, ठीक है। इन्हीं डॉट या पिक्सल कहते हैं। देखिए डॉट या पिक्सल एक ही चीज है लेकिन डॉट पिच अलग है। ये डॉट जितने नजदीक और घने होंगे उनका चित्र हमें उतना ही अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, यह प्रिंटर के समान एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र को बड़े कागज पर प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग कैड, कैम इंजीनियरिंग, वास्तुविद, सिटी प्लानिंग, भवन निर्माण और मानचित्र बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच सिंथेसाइजर। क्या, स्पीच सिंथेसाइजर, इनके द्वारा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद किया जाता है। भाषाओं का अनुवाद किया जाता है स्पीच सिंथेसाइजर। आप ये वर्ड से ही इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी सहायता से लिखित सूचना को ध्वनि में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट हमारा ईई प्रॉम। क्या ईई प्रॉम, इसका क्या यूज होता है कि वर्तमान समय में इसका यूज एक सहायक मेमोरी के रूप में हो रहा है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्किट से निकाले बिना उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा करना या प्रोग्राम डाला जा सकता है। इसका एक सर्व प्रचलित उदाहरण है पेन ड्राइव। देखिए पेन ड्राइव में क्या होता है कि हम किसी भी डाटा को निकाल लेते हैं और फिर किसी डाटा को इनपुट उसमें डाल देते हैं, और इसी प्रकार की जो डिवाइसेस होती है उन्हें हम ई प्रॉम कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैचे मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्राथमिक मेमोरी तथा सीपीयू के बीच अत्यंत तीव्र मेमोरी के रूप में उपयोगी होती है। सामान्यतः इसका आकार 256 KB यानी किलोबाइट से 4 MB यानी MB तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, इस डिस्क पर लेजर बीम का प्रयोग डाटा लिखने व पढ़ने में किया जाता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। देखिए जो दो नाम है एक ही चीज है, इसको भी आपको याद रखना, आपको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, यह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी एक गोल्ड डिस्क है। क्या है, एक पॉलीकार्बोनेट से बनी एक गोल्ड डिस्क है। ठीक है, इसकी एक परत पर एल्यूमिनियम की पतली चमकदार चादर को चढ़ाया जाता है ताकि यह प्रकाश को प्रवर्तित करे। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। क्या ब्लू रे डिस्क, ये क्या होता है, इसका उपयोग हेतु ब्लू वायलेट लेजर किरणों के उपयोग में किया जाता है। क्या इसके उपयोग हेतु ब्लू वायलेट लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में एक प्रकार तथा उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण यह मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। यह आकार में सामान्य डीवीडी या सीडी की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा स्पूलिंग। स्पूलिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट के पूर्व उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है, तो इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बफर। देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है बफर, प्रिंट बफर। आप समझिए बफर होता क्या है। इसका उपयोग दो उपकरणों के बीच डाटा ट्रांसफर की गति में अंतर होने पर किया जाता है। ठीक है, बफर का कार्य पद्धति कैश के समान होती है। ठीक है, कैश की तुलना में बफर में भंडारण अधिक और स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोलियन अलजेब्रा। क्या बोलियन अलजेब्रा, इसमें केवल दो चरों यानी शून्य और एक का प्रयोग होता है। ठीक है, और यह बाइनरी संख्या प्रगति में पद्धति में प्रयोग की जाने वाली गणित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेयरवेयर। ये क्या होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका कोई शुल्क चुकाए बिना निश्चित एक निश्चित समय तक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फर्मवेयर, यह हार्डवेयर की बचत तथा उसके मूल्य में कीमत लाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। कौन, फर्मवेयर। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर की जगह किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर वह सबसे छोटी इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। ठीक है, किसी कैरेक्टर को 8 बिट या 1 बाइट निरूपित करते हैं। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो टर्म है अपर क्लासेस के बच्चे जो होंगे उसे जानते होंगे। संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। इस माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आकृति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, दो डिफिनेशन हो गए ये दोनों। ठीक है, बैंडविड्थ को एनालॉग सिग्नल के लिए हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें, हर्ट्ज में। और अगर किसी संचार के माध्यम से बैंडविड्थ को बढ़ा दिया जाए तो डाटा का संचारण बढ़ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने जनरली सुना होगा, जिस संचार माध्यम में डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ सिग्नल उपस्थित होता है उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। ठीक है, भारत में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है ट्राई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 512 किलोबिट प्रति सेकेंड की अधिक क्षमता से संचार को ब्रॉडबैंड कहते हैं। ठीक है, जो 512 किलोबाइट यानी 512 KB की जो स्पीड होती है उससे अधिक की क्षमता को हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा माइक्रोवेव। ये ओवन वाला नहीं है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। इसमें अति उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है बेस बैंड। इससे पहले क्या पढ़ा था, ब्रॉडबैंड, वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, वह संचार माध्यम जो कम बैंडविड्थ पर काम करता है उसे बेस बैंड कहते हैं। इसे नैरो बैंड के नाम से भी जानते हैं, किसे, बेस बैंड को। देखिए नेक्स्ट हमारा इथरनेट केबल। ये क्या होता है, मॉडल राउटर और टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप ही है। ठीक है, इसके द्वारा स्थायी नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क लैन भी बनाया जाता है। इसमें इथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। किसका, इथरनेट प्रोटोकॉल का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यह क्या होता है? यह एक टेलीफोन लाइन है जो डायल अप लाइन का विकसित रूप है। इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है तथा मॉडम की भी आवश्यकता नहीं होती है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट है। और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसे शॉर्ट में हम GSM भी कहते हैं। क्या? GSM। देखिए, इसमें जी से ग्लोबल, एस से सिस्टम और सी से कम्युनिकेशन। ये फॉर मोबाइल का इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप बीच में लगाएंगे, ठीक है। GSM मानक का विकास यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा द्वितीय पीढ़ी के डिजिटल सेलुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल की व्याख्या के लिए किया गया था। मोबाइल फोन संचालन का सर्वाधिक प्रचलित मानक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। किसमें? एग्जाम में पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय जो रोमिंग की सुविधा है वो किसमें प्रदान की जाती है, तो GSM में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारा CDMA। क्या? CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से इसका उपयोग मोबाइल फोन संचालन में किया जाता है। यह थर्ड जनरेशन मानक की तकनीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन लाइन द्वारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है। हब। हब क्या होता है? इसके माध्यम से दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके? हार्डवेयर उपकरण जो होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है राउटर। राउटर क्या होता है? इंटरनेट द्वारा डाटा संदेश को कम समय में निर्धारित पते पर पहुंचाने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। ये डाटा संकेत पैकेट के रूप में एक स्थान पर दूसरे स्थान से ले जाता है, ठीक है। यह नेटवर्क गेटवर्क पर स्थगित होता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से राउटर कार्य करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है। कौन? राउटर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। MO से मॉड्यूलेशन और DEM से डीमॉड्यूलेशन। इसका उपयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने किया जाता है। यह कंप्यूटर से उत्पन्न जो डिजिटल सिग्नल होती है उसको एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। अब देखिए, यहां पे शब्द यूज हुआ एनालॉग और डिजिटल। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है। एक ही डिफरेंस बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट है हमारा गोफर। गोफर क्या होता है? इसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना और प्राप्त करना संभव होता है। पिंग के माध्यम से किसी विशेष कंप्यूटर आईपी एड्रेस की जांच की जाती है, ठीक है। किसके माध्यम से? पिंग के माध्यम से। अब देखिए, पिंग क्या होता है? जब हम इंटरनेट पर कंप्यूटर और उसे जुड़ने हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसे हम पिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एनोनिमस सर्वर। एनोनिमस आपने कई बार सुना होगा ये शब्द। इस प्रकार के सर्वर से जुड़ना हेतु किसी विशेष पहचान अथवा पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। किस पे? एनोनिमस सर्वर पे। पॉपअप, यह एक प्रकार का अवांछित विंडो होता है जो वेब पेज पढ़ते समय स्वयं खुल जाता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के अथाह सूचना भंडार से हमें वांछित सूचना खोजने में मदद करने वाले को हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल है, क्या है? सर्च इंजन है। कोई भी सर्च इंजन सभी वेब पेजों की सूची बनाकर रखता है, जैसे गूगल, आर्कूट, याहू, अल्टा विस्टा आदि एक कुछ प्रमुख सर्च इंजन है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से अपनी सूचना को खोज को सर्फिंग कहलाता है। वेब पेज पर स्थित हाइपरलिंक द्वारा हम अपनी सूचना को आसानी से खोज सकते हैं। देखिए, सर्फिंग आपने जनरली कई लोगों को मुझे सुना होगा कि मैं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा हूँ, यानी इंटरनेट पे जो किसी भी हम इंफॉर्मेशन को जो सर्च करते हैं इसी प्रोसेस को हम सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। थंबनेल। थंबनेल नाखून के आकार का छोटा रूप जिससे किसी चित्र और मैप को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम थंबनेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है? कंप्यूटर पर उपलब्ध इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के उपयोग को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसमें ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, वेब ब्राउजर, ईमेल आदि शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्या होता है? यह किसी कंप्यूटर डाटा या नेटवर्क को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर के रूप में फायरवॉल हो सकती है, ठीक है। कभी कभी यह दोनों रूप में भी होती है। यह इंटरनेट पर लैन नेटवर्क की गोपनीयता को बनाए रखने में काम करती है। कौन? फायरवॉल।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल सिग्नेचर। इस तकनीक का उपयोग कंप्यूटर पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए काम करती है। यह हस्ताक्षर उस मैसेज या डॉक्यूमेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। इस हस्ताक्षर को कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और प्रमुख रूप से इसका प्रचलन ई प्रशासन और ई कॉमर्स के क्षेत्र में है। किसी व्यक्ति की कंप्यूटर नेटवर्क पर पहचान स्थापित करने तथा तथ्य को स्थापित करने की तकनीक डिजिटल हस्ताक्षर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोमेट्रिक टेक्निक्स। ये क्या होता है? अंगुलों की छाप, चेहरे की आकृति, आंखों की पुतली, आवाज आदि मानवीय अंगों की सहायता से पहचान स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक तकनीक कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में पहले ही अधिकृत व्यक्तियों की नमूनों को संग्रहित कर दिया जाता है। जैसे फेस लॉक जो होता है, फिंगरप्रिंट जो होता है, सेंसर होता है, वो इसी टेक्निक पर काम करता है। स्पीकर क्या होता है? साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों में स्पीकर बदलता है, ठीक है। इसके 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर के द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिक के अंदर एक छोटा सा स्पीकर होता है। मल्टीमीडिया में स्पीकर में एक एम्पलीफायर तथा आवाज घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। बेसिकली आप जो स्पीकर यूज करते हैं, साउंड यूज करते हैं, उसे ही हम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन प्रोजेक्टर। ये क्या होता है? इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो जिसे हम नॉर्मली प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। या किसी चलचित्र को समूह में दिखाने के लिए उपयोग होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किया जाता है। यह कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इसमें आवाज, चित्र, चलचित्र और एनिमेशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है? इसका उपयोग डिवाइसेस को जोड़ने में किया जाता है। इसकी स्पीड तीव्र हो जाती है। इसके द्वारा एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान करते हैं। इस पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है। इसमें डाटा स्थानांतरण हेतु अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। अब सामान्य रूप से इस पोर्ट को प्रिंटर से जोड़ा जाता है, अतः इसको प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंटर पोर्ट, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा विंचेस्टर डिस्क। ये क्या होता है? विंचेस्टर डिस्क में 2 से अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर में को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित करते हैं। इस डिस्क पैक में एक मोटर लगी होती है जो डिस्क को एक्सिस के सहारे घुमाती है। इस डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक करते हैं ताकि धूल, खरोच या नमी की संभावना ना हो। पर्सनल कंप्यूटर के साथ जिस हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है वह विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? या प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का बना एक छोटा कार्ड होता है। इसके डाटा को पढ़ने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड, पहचान कार्ड आदि में किया जाता है। कई प्रकार के स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही EEPROM भी लगा होता है। EEPROM क्या होता है? अभी मैंने कुछ ऊपर बताया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS एक 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्र और ग्राफ ना बन पाने और इस कमांड को याद रखने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग कम हो गया है, MS-DOS का, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को संयुक्त रूप से माइक्रोसॉफ्ट व IBM ने 1981 में बनाया था। पूछता है एग्जाम में, यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित होता है। किस पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। नेक्स्ट हमारा यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? इस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का विकास बेल लेबोरेटरी के केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने किया था। किसने? केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने सन 1970 में किया था। हाई लेवल लैंग्वेज जिसे ई लैंग्वेज भी कहते हैं में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिक्स ही है, ठीक है। पूछता ई भाषा में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है यूनिक्स। देखिए यूनिक्स जो है यह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया था। यह डाटा की सुरक्षा भी करता है। मुख्य रूप से इस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब सर्वर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रिटेल सॉफ्टवेयर। रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में सामान्य रूप से बिक्री हेतु उपलब्ध होता था, जिसे कोई भी व्यक्ति उचित शुल्क देकर खरीद सकता है। कुछ रिटेल सॉफ्टवेयर जैसे MS Office, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, टैली, ये सब क्या है? एक रिटेल सॉफ्टवेयर है जिसे हम आसानी से बाय कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग की दिशा निर्देश तथा यूजर मैनुअल दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स रूल। सिंटेक्स रूल क्या होता है? जिस प्रकार आम बोलचाल की भाषा में शब्दों और चिन्हों का
प्रयोग हेतु व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी शब्द और चिन्ह होते हैं जिन्हें सिंटैक्स रूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंगहम द्वारा एक उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1970 के दशक में किया गया था। यह भाषा आम बोलचाल की भाषा अंग्रेजी जैसी है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा संक्षिप्त रूप में कठिन है, ठीक है। इस भाषा का विकास उच्च स्तरीय भाषाओं में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी शार्प। इस भाषा का विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंटरनेट के प्रयोग हेतु किया गया था। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इसे भाषा को मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। किसे? सी शार्प को, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? एक ऐसा टेबल जिसका स्वयं अपना कोई डाटा नहीं होता, बल्कि उस डाटा किसी दूसरे टेबल से लिया होता है, उसे व्यू कहते हैं। किसी सूचना तक उपयोगकर्ता की पहुंच प्रदान करने को व्यू एक उपयोगी माध्यम है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल यानी युग्म तार। ये तांबे के दो तार होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं। इन तारों पर प्लास्टिक या टेलीफोन कुचालकों की परत चढ़ी होती है। यह संकेतों को रिपीटर की अनुपस्थिति में लगभग 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का उपयोग एक ही शहर के निजी एवं सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में किया जाता है। घरों में उपयोग होने वाली केबल टेलीविजन मैन का एक उदाहरण। देखिए, जो घरों में हमारी टेबल केबल लगी होती है ना, वो एक मैन का उदाहरण है। उसमें क्या होता है कि हम एक सीमित क्षेत्र में कुछ अपने एरिया में शहर में इस नेटवर्क को पकड़ता है, ठीक है। यह नेटवर्क किसी भी बड़े भौगोलिक लगभग 100 किलोमीटर तक रेंज में इसका नेटवर्क फैला होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या है? इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट या केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण मेश टोपोलॉजी और आंशिक मेश टोपोलॉजी। मुख्य रूप से इस टोपोलॉजी का प्रयोग बैकबोन नेटवर्क निर्माण में किया जाता है। इस टोपोलॉजी का प्रमुख लाभ यह होता है कि नेटवर्क के किसी नोड या संचार माध्यम में काम होने पर भी डाटा स्थानांतरण जारी रहता है, ठीक है। किसका? मेश टोपोलॉजी का। और इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? इसे हम हिंदी में बेतार तकनीक कहते हैं। केबल तकनीक सुविधाजनक ना होने और खर्चीला होने के कारण विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने हेतु बेतार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसमें अवरक्त और रेडियो तरंगों का उपयोग कम दूरी के लिए नेटवर्क स्थापित के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा PHP यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यह एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। शुरुआत में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। इसका उपयोग डायनामिक वेब पेज निर्माण में किया जाता है। इस भाषा का विकास रैसमस लेडोर्फ ने किया था। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर किया जाता है। PHP भाषा में तैयार वेबसाइट फेसबुक और याहू जो और फेसबुक हैं, ये PHP लैंग्वेज में ही क्रिएट हुई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा URL। URL क्या होता है? URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म है उसे आप रट लीजिए क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में आता है। URL कंप्यूटर में वांछित सूचना का स्थान और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह बताता है। इस वेबसाइट का वेब पेज का पता उस वेब पेज का और साइट का URL होता है। URL में डोमेन नेम के साथ शब्द अंक और विराम चिन्ह हो सकते हैं। URL को टाइप करके व्यक्ति सीधा वेब पेज पर पहुंच सकता है। माने अगर कोई भी वेब पेज है, वेबसाइट है, तो अगर मैं उस वेब पेज का जो भी URL यानी लिंक है अगर डायरेक्ट कंप्यूटर पे सर्च इंजन पे सर्च करता हूं तो मैं डायरेक्ट आपके वेब पेज पे पहुंच सकता हूं। किसी मदद से? URL की मदद से। किसी वेब पेज अथवा वेबसाइट का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है। URL क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट लोकेशन होता है किसी भी या फिर हम कह सकते हैं एग्जैक्ट नेम होता है किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइबर स्पेस। साइबर स्पेस इंपॉर्टेंट है।
इसे विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में सर्वप्रथम साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किया। ठीक है, विश्व में फैले कंप्यूटर संचार के नेटवर्क तथा सूचना के भंडार को काल्पनिक रूप में साइबर स्पेस कहते हैं। देखिए, जो भी हमारा वर्ल्ड है उसमें जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है और जो भी जो सूचना इंफॉर्मेशन जहाँ स्टोर होती है, स्टोरेज प्लेस है, इन सभी को काल्पनिक रूप से हम साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जानते ही हैं आप, ये क्या होता है, ये एक ऐसा द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है, यानी एक ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पासवर्ड, ईमेल संदेश, यूजर नेम की पूर्व में देखी गई वेबसाइट आदि का विवरण इकट्ठा करता है। कौन? स्पाईवेयर। कुछ बड़ी व्यावसायिक कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं। देखिए, ये इसका इलीगल यूज भी होता है और लीगल यूज भी होता है। किसका? स्पाईवेयर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट टर्म है थ्रेड्स। ये क्या होता है, इंटरनेट पर विचार विमर्श के दौरान किसी विषय पर उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा प्रारंभ करने को थ्रेड कहते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 125 से 30 कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर एक भी ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं अपने अगले वीडियो में एक बार फिर से उसे समझा दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस बार आपको जरूर समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये था आज हमारा वीडियो। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।